हेलो दोस्तों, फिर से हमारे न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो में मैं बताऊंगा कि कटिंग के बारे में, कटिंग कैसे किया जाता है। एक हमारे पास मिस्त्री है, वो कभी कटिंग 2 mm बड़ा, 4 mm बड़ा कि 4 mm छोटा काट देते हैं। तो मैं उनको कटिंग करना समझा देता हूँ। आप लोगों को भी अगर समझना चाहते हैं कैसे कटिंग किया जाता है फिक्स माप का, तो आप वीडियो देख के समझ सकते हैं। और पाटिया कैसे, कभी भी आप पाटिया उठाइए, उसमें आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आराम से पाटिया उठाने का है। और इसमें तो ताकत लगता है और इलम से भी उठाया जाता है। कभी भी आपको एक भरोसे पाटिया नहीं छोड़ना चाहिए, पाटिया को हमेशा पकड़ के और अच्छे तरीके से लाना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी मिस हुआ तो पाँव हाथ पे गिर जाएगा। तो आप लोगों को कटिंग के बारे में समझा देता हूँ। सबसे पहले आपको मशीन का पट्टी बांध लेना चाहिए, क्योंकि स्क्रेच आ जाता है। एक पट्टी या धागा कुछ भी आपको बांध देना है, क्योंकि उसमें रेती या बालू कुछ भी लगता है तो स्क्रेच आने लगता है पाटिया में। तो सबसे पहले हमको फर्मा माप लेने का है मशीन का, और फिक्स माप को आपके काट के दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ। फर्मा माप के मान लो 95, 97, 100 mm, 110 ऐसा ही करके आता रहता है। सबसे पहले हम धार बना लेंगे, इनको दे दिया हूँ धार बनाओ, उसको मैं काट कोने में कटिंग करके पूरे डिटेल में समझाऊंगा। तो इनको दिया हूँ काटने, ये 2-3 mm छोटा ही काट देता था कि 2-3 mm बड़ा ही, तो हमको लगता था फिक्स माप का, तो फिक्स माप का ये काट नहीं सकता था। तो मैं इनको कटिंग करके समझा देता हूँ कैसे कटिंग करना है तुमको, और एक बार दिखा दूँगा तो ये भी समझ जाएगा, तो कटिंग करते रहेगा, बार बार हमको नहीं आना पड़ेगा और अच्छा भी कटिंग कर लेगा ये। एक बार इसको बताने का ज़रूरी है, आप लोग भी एक बार आपको कोई अच्छे से बता दिया तो आप लोग एक ही बात, जैसे मान लीजिए हमको इसको 600 काटना है, कितना काटना है, 600 काटना है, 500 काटना है, जितना भी काटना है, तो हम यहाँ से माप ले लेंगे। जितना मेरा पाटा है मशीन का, ये 98 पे है पाटा, हम 98 पे है पाटा ये, तो 98 mm उधर हम पहले 600 लेंगे, 698 उधर हम लेंगे, तो कटिंग होगा ये 600, तो 698 उधर ले, उधर कर और जाने दे। हम ये बांध दिए हैं, इसके बाद उधर भी हम इससे पे बांध करके थोड़ा मशीन चलाएंगे पहले इस पे, कि मेरा 600 कट रहा है कि फिक्स। अगर माप काटना है बिल्कुल फिक्स, तो आपको ऐसा ही कटिंग करने का है। पहले आपको बांध तो दिए हैं, उसके बाद हम फिर से मापेंगे कि मेरा कटिंग हो रहा है कि नहीं, तो उधर भी बांध। बांध दिए, अभी फिर इसको मापना है, उधर जो माप लिया फिर इसको मापना है कि मेरा सही है कि नहीं। देखो इधर से उधर करेगा तो ये थोड़ा पट्टा सरक जाता है, तो उसको फिर से थोड़ा सरका के बांधने से, अभी बांध दिए पानी पाइप लग। अब हमको ऐसे चला के देखना है कि मेरा माप का कट रहा है कि नहीं, मेरा माप का काटा है कि नहीं,
एक एमएम बड़ा होगा, एक एमएम को इधर सरकार नहीं है। हो गया ऐसे, अगर माप के काटेगा तो कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी क्या नहीं कर सकता। बोलते रहता है कि एक दो एमएम बड़ा छोटा चलत है, अरे का चलत है, जब हमको फिक्स माप कर लगेगा तो चलत का है, एक दो एमएम नहीं चलेगा भाई, बड़ा रहेगा तो एक दो एमएम मान लो मेरा फिक्स माप का है, अब एक दो एमएम बड़ा भी रख दोगे तो हमको घिसते घिसते ही परेशान हो जाएगा वहाँ पे। एक एमएम तुम छोटा रखो ना, एक एमएम, एक से दो एमएम बड़ा छोटा चलेगा, ये पाँच पाँच एमएम छोटा बड़ा काटोगे तो कैसे चलेगा, नहीं चलता है भाई। तो आपको फिक्स ही माप काटना है, जैसा मैं बता दिया हूँ वैसा ही काटने का है। फिक्स माप क्यों नहीं काटेगा, आप ध्यान से नहीं काटेंगे तब आपको फिक्स माप, आप जितना ही देर काटिए उतना ही देर जो ही माल काटिए वो फिक्स में काटिए और ध्यान दे के काटेंगे आप। मशीन से आपका ध्यान इधर से उधर हुआ, देखिएगा मेरा बात से, बात को गौर से सुनिए, मशीन से आपका ध्यान इधर से उधर हुआ मशीन आपका भाग जाएगा, पाटा छोड़ देगा वो। तो आपको ध्यान से काटेंगे तो एकदम परफेक्ट बराबर कटेगा भाई, मैं जैसा बोल दिया हूँ वैसा कटिंग करें। उसके बाद आपको कोई गड़बड़ हो तो आप कमेंट में लिखिए कि मेरा ऐसा गड़बड़ हो रहा है, मैं उसका रिप्लाई दूंगा और कॉल करके आप पूछ सकते हैं कि कैसे कटिंग करना है। कोई भी पत्थर आप कटिंग कर सकते हैं, काट कोने में हो कैसे हो, अभी सभी जगह तो सभी जगह की हर एक जगह काट कोने में ही लगता है, तो एक धार हम काट कोना कर लेंगे, एक धार अपना काट लेगा, नहीं तो फिक्स में काटते हैं तो मैं दोनों धार काट कोना यहीं पे कर देता हूँ, मैं तो यहीं पे काट कोना कर देता हूँ। तो माप करके आप काट कोना जितने का लगता है वो काट कोना कर दीजिए, काट कोना कभी भी आप जो करेंगे वो 100 mm टाइल से इधर ही 100 जितने पे आपको पाटा है उससे आप 100-110 आप छोड़ करके ही टाइल रखेंगे। इतना मेरा पत्थर बड़ा है तो मैं इसको बड़ा करके ही काट रहा हूँ। तो आप लोग पूरा वीडियो में समझ गए होंगे कि आपको कैसे कटिंग करना है, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट में ज़रूर लिखिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के